कैंट पुलिस ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की 10 मोटरसाइकिलों के साथ 3 अंतरजनपदीय वाहन लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर लुटेरों की पहचान थाना खजनी के खुटहना निवासी बादल और सद्दाम खान पुत्र जामिर खान, हाल पता अमरदेव महादेव झारखंडी कूड़ाघाट थाना कैंट, दीपक साहनी पुत्र जयश्री साहनी निवासी मोहद्दीपुर प्रभात गली तथा विजय साहनी पुत्र सुरेश साहनी निवासी महादेव झारखंडी कूड़ाघाट थाना कैंट के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि ये अंतर जनपदीय वाहन लिफ्टर गोरखपुर के अलावा अन्य जनपदों में भी वाहन चोरी करते थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, तो वो गाड़ी है ना, जैसा कि पता ही है आपको कि गोरखपुर पुलिस ने कई तरह की टीमें बना रखी हैं, जिसमें एक वाहन चोरी के लिए भी स्पेशल दस्ते बनाए गए थे, तो उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। 3 वाहन चोर पकड़े गए हैं, बादल, दीपक और विजय। ये रहने वाले कैंट थाने के अंतर्गत मोदीपुर के इलाके के ही हैं और इनके पास से अभी तक के जो बरामद की है वो लगभग 10 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई हैं। तो ये बड़े ऑटो लिफ्टर हैं और इन पर निगरानी रखी जा रही थी और अभी हमें पकड़ में आए हैं ये, और 2 और मोटरसाइकिल मिलने की उम्मीद है। तो इस तरह से इनसे जो FIRs हैं, लगभग 7-8 चोरी में तो FIR हमारे पास दर्ज है, बाकी मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है अभी उसकी लिखापढ़ी देखने की बाकी है, क्योंकि RTO ऑफिस आज बंद है तो उसमें से अभी पता लगना बाकी है। फिलहाल ये एक बड़ी सफलता है कैंट पुलिस की, SO कैंट और CO कैंट ने मिलकर के एक बड़ा क्राइम नेटवर्क ध्वस्त किया है, जिसमें करीब 7 FIR इनके ऊपर अभी लगी हुई हैं ऑलरेडी, जो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। तो इसके तहत इस तरह से थोड़ा सा रिलीफ आएगा, जो हमारे यहाँ चोरियाँ हो रही थी। और ये अंतर जनपदीय भी चोर है, इसमें से कुछ एक गाड़ियाँ हो सकता है बाहर की जनपद की भी हों, जिसकी अभी विवेचना चल रही है, और इन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ ठीक ठाक गैंगस्टर एक्ट भी लगाएंगे और इनकी हिस्ट्री शीट भी खोलेंगे। सर, कुछ जानकारी दी है कितनी गाड़ियाँ अभी तक चुराए हैं ये? अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी जो बरामद हुई उससे लगता है कि इन्होंने पहले भी बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं। ये कभी अलग भी रहते थे, कभी गैंग में भी रहते थे। इनके ऊपर जो है निगरानी की व्यवस्था भी कायम की जाएगी, आगे भविष्य में ये अगर ये बेल आउट भी होते हैं, अव्वल तो इनको सज़ा दिलाने का हम पूरा कोशिश करेंगे कि इनको किसी न किसी केस में सज़ा पड़ जाए और ये बाहर ना आने पाए। सर, कुछ गाड़ियाँ बेचने के लिए इसकी सूचना है, कौन गाड़ी बेचते थे? जी बिल्कुल, इसमें कुछ 411 के मुलजिम सामने आएंगे, जिन्होंने गाड़ियाँ रिसीव की होंगी उनको ही, अभी जैसे कि कुछ गाड़ियाँ खुले में डाल दिए हैं और उनकी बातचीत कर रहे थे बेचने के लिए, तो उन लोगों को ही पकड़ा जाएगा। जी, एक इसमें जो बादल और सद्दाम खान है, इसको अभी इलेक्शन के दौरान जो है कट्टे के साथ भी गिरफ्तार किया गया था। देसी तो चूँकि इनकी अभी तहकीकात चलेगी और उनके ऊपर और भी अगर निकलेंगे तो इनके ऊपर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं हम जनता से अनुरोध करेंगे कि वो लगातार हमारे जो है थानों का विजिट करते रहे, वहाँ जो थाने में गाड़ियाँ हैं बहुत सारी पड़ी रहती हैं लेकिन उनको कोई क्लेम नहीं करता है, तो अगर आप देखेंगे, अगर क्लेम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ले जाएँ।